ये बिना पावर वाला है, दे दो। ये जो है वो कंप्यूटर पर हम काम करते हैं उसके लिए। तुम पहन के देखोगे? अच्छा देखो। अरे अरे तुम तो हैरी पॉटर लग रहा है। हैरी पॉटर लग रहा है चश्मा पहन के। चश्मा पहनने में नहीं आता। रुको 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 रुको, बिना पावर वाला है ये। अरे दो है। इसमें धुंधला इसलिए कि तुम्हारा पावर वाला है, बिना पावर वाला है इसलिए तुम। अरे अरे गिरोगे। जैसे ये मैं पहनूंगा तो मेरा भी पावर बढ़ जाएगा। नहीं लेकिन इससे तुमको धुंधला ना कुछ भी चीज दिखाई देगा। हाँ जैसे पहले दिखता वैसे ही। इसमें मैं ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? तुम तो अच्छा लग रहे हो। अच्छा लग रहा तो बाबू जा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि मुझे जो है वो बालकनी थोड़ा सा पौधे जो है वो दूसरे गमले में शिफ्ट करने हैं, तो वो इसके लिए मैं सोच रही थी बाबू सो जाए सो जाए सो जाए। और अभी से नहीं, पिछले 3 घंटे से, अभी 2:30 बज रहे हैं। मैं सोच रही थी 11 बजे से उसे नींद आ रही थी लेकिन वो सो ही नहीं रहा है। और जब मैं बालकनी में आऊँगी तो फिर वो सारा मतलब 1.5-2 घंटे का काम है बालकनी का, और वो सारा काम जो है ना वो फैला देगा मिट्टी मिट्टी का। तो मैं चाह रही हूँ कि वो सो जाए तो एक सारा काम करे, क्योंकि सोता है तो दिन में आराम से 2-1.5 घंटा आराम से सोता है दिन में, तो इसके लिए। और मुझे ये अपना ट्रेडमिल साफ करना है, बहुत डस्ट हो गया है इसमें, तो इसकी वजह से इसको भी थोड़ा साफ करना है। ये इसको मैं साफ़ करूँगी थोड़ा, इसमें बहुत डस्ट हो गया है। और इस रूम में मैं जब आई हूँ तो गेट जो है वो अंदर से बंद कर ली हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं धो करके। बालकनी से डब्बे ले आता है और सारा डब्बा ख़राब कर देता है, तो धोने के बाद मैं अक्सर थोड़ा देर किचन में छोड़ देती हूँ और फिर इस रूम में एक्चुअली कोई सोता नहीं है। एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं तो भले वो सोते हैं लेकिन कोई सोता नहीं है इस रूम में, वो इसलिए क्योंकि ये रूम कार्तिक का स्टडी रूम बन गया है। यहाँ पर वो खाली ऑनलाइन अपना क्लास करता है और ये ट्रेडमिल है, और ट्रेडमिल पे आके बाबू जो है वो चलता है बैठा रहता है। ये जगह उसका बहुत ही पसंदीदा होता है। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए, यहाँ आराम से बैठ जाता है ट्रेडमिल पर, और ये जो है वो पूरा लिखने लगता है। तो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और बहुत देर से भी कि किसी दिन मूड बने, क्योंकि इसमें जो है पक्का 2-3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे गमले में जो है वो पौधे ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारा जो है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, और जो रेनी डे है वो सबसे अच्छा डे रहता है किसी भी पौधे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में। तो और ये देखिए, इसका पूरा जो है ना ये रूट पूरा हो गया है, बहुत ज़्यादा गमले छोटे पड़े हैं, पूरा रूट बाइंडिंग हो रहा है, तो इसको मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। और बाबू जो है वो अभी सो रहा है, और कार्तिक जो है वो मेरा वीडियो बना रहा है, वो बोला कि मैं बना दूँ कि हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली बात है। पूछने वाली बात है, तो कार्तिक जो है वो मेरा वीडियो बना रहा है,
और देखिए इसमें क्या है कि इस तरीके से मैं सारा मिट्टी जो है वो हटा दूंगी, क्योंकि अगर इस साल इसे इस तरीके से नहीं किया जाए तो अगले साल ये क्या होगा कि अपना मतलब जो ये और ज़्यादा बड़ा होगा धीरे धीरे। और ये ना अक्टूबर नवंबर तक आते आते जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। कभी कभी अक्टूबर कभी कभी नवंबर मतलब ले लेता है, और ये फिर मार्च से ये फिर निकलने लगता है। तो पिछली बार जो था वो बहुत कम था और इस बार बहुत ज़्यादा निकला है इसमें से पत्ते, तो बहुत ज़्यादा पत्ते निकले हैं। और अगली बार इससे भी ज़्यादा घना होगा क्योंकि ये अंदर में स्टोर होते रहता है इसका ये, और ऊपर से आप विंटर में तो कोई भी इसके ऊपर भी आप प्लांट लगा सकते हैं। तो मैं इस बस वही सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जो पौधे हैं जिसमें मिट्टी ट्रांसफ़र करना, मतलब पौधे छोटे गमले से बड़े गमले में करना है या चेंज करना है, या थोड़ा सा जैसे बहुत सारा चीज़ का रूट बाइंड हो जाता है पौधे का, तो ये जो बरसात का सीजन रहता है ना इसमें अच्छे से हो जाता है और अच्छा रहता है ये। क्योंकि समर में इतना गर्मी रहता है, इतना गर्मी रहता है, और अगर पौधे को आप जरा सा भी हिला डुला भी दीजिएगा तो फिर समर में पौधा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बरसात में तो क्या होता है कि इतना मॉइस्चर रहता है और इतना अच्छे से कहीं भी कोई भी पौधा जो है वो आराम से बरसात में या फिर आपका फरवरी के टाइम में बहुत जल्दी लगता है। आप अगर किसी भी चीज़ का जैसे आप वो कटिंग लगा रहे हैं तो भी आप अभी के टाइम में लगाएं, जैसे सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, या तो फिर आप लगाएं फरवरी और मार्च के टाइम में, तो ये टाइम में बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा यही सब चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि बस ये सारा समेटना है, सारा ठीक करना है। और एक तो कि बहुत ज़्यादा गर्मी था, दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मतलब मूड नहीं बन रहा था, और दूसरी बात क्या है कि ये जो है ये अगर बहुत सारा जैसे पौधा निकाल करके दूसरे में ट्रांसफ़र करना है तो लंबा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए बस हमारा ये वाला हो गया, और ये जो पौधा है ना वो इजीली कहीं भी बस लगा दीजिए, कहीं भी आराम से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, तो कम मेहनत वाला है और बहुत अच्छा पौधा है, तो इसलिए हमें बहुत पसंद है ये पौधा। और इसी तरह से बहुत सारे गमले में तो पौधे ही ख़त्म हो गए। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ कबूतर आता है, और जो भी रहता है मैं वो जो फर्न रहता है वो भी ला के लगाई थी, तो जो भी रहता है ना वो सारा वो तोड़ तोड़ के एक एक पत्ता लेते जाता है, तो बचता ही नहीं है। और ये रहा हमारा क्लांचो, तो इसको भी मैं एक ऐसे ही डब्बा में मैं लगा रखी थी, और बहुत इजली ग्रो हो जाता है। इसको देखिए मैं तोड़ करके यहाँ से भी लगा दूंगी, ये कटिंग से या फिर आपका पत्ता से भी बहुत अच्छा से ग्रो होता है। जैसे बगल में जो दिख रहा है ये दिया है, दिया में ही मैं पत्ता में दिया में पहले बालू रख दी थी, अब बालू में रख कर उसके बाद फिर पत्ते से ही ग्रो मैं की ही हूँ इसको। और ये देखिए तो ये बहुत अच्छे से चल रहा था, और लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब कि और इसको मिट्टी चाहिए था, दिया में होता है कितना मिट्टी है, तो इसकी वजह से ये ग्रो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ मैं विंटर आने से पहले जो है वो सारा मैं प्रिपेयर कर ले रही हूँ। और मुझे हंसी ये आ रही है कि कार्तिक जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा करूँगा रिकॉर्डिंग तो कैसे होगा, ऐसा करूँगा तो कैसे होगा। और ये देखिए कितना सारा जो है ना मैं पत्ता 3 4 5 पत्ता जो भी है वो मैं फिर से ग्रो होने के लिए रख दी हूँ, और इसमें ना विंटर में फ्लावर्स आता है तो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है विंटर में। और समर में भी आता है लेकिन ये फ्लावर जनरली विंटर में आता है, और आपका मार्च अप्रैल मई मई तक आराम से चल जाता है, क्योंकि हमारे ये में मई तक आया था फ्लावर, उसके बाद फिर मैं उसको काट के हटा दी थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और ये देखिए वापस पत्ता मैं इसमें लगा दी हूँ,
ताकि ये ग्रो करे। और ये सैंड में बहुत अच्छा ग्रो करता है, या फिर आप कोको पीट जो लेते हैं उसमें भी बहुत अच्छा ग्रो करता है ये। मिट्टी में क्या होता है कि इसका जो रूट है ना वो बनता नहीं है, बनता है तो मतलब ये खराब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी में कभी ज़्यादा पानी हो गया कभी कम पानी हो गया, तो इसकी वजह से। और स्प्रे करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि वो हैंगिंग वाला जो था ना मग जैसा फ्लावर पॉट, तो उससे हटा करके इसमें मैं लगा दी, क्योंकि उसमें अब विंटर के लिए कुछ मैं सोचूंगी कि विंटर में के लिए क्या सा कुछ है। और मैं जल्दी जल्दी भी सारा काम थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि अब बाबू के सोए हुए हो गया है अच्छा खासा टाइम, और शाम हो गया है और मैं थकने भी लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारा इधर साफ भी मैं की हूँ, बहुत सारा पौधा कटिंग भी की हूँ, तो वो सारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बस यही थोड़ा सा जो कार्तिक किया है रिकॉर्डिंग तो यही है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बनाने वाली हूँ सत्तू का चोखा। तो सत्तू का चोखा जो बहुत टेस्टी लगता है, अगर कोई सब्जी ना समझ में आता हो तो सत्तू का चोखा खा लीजिए, बहुत रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए प्याज और लहसुन तो मस्ट है, मतलब अब अदरक है अदरक भी डालिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अदरक पसंद नहीं है, हमारे पास अदरक नहीं है, हमें पसंद है लेकिन नहीं है अदरक। जो छोटा टुकड़ा अदरक बचा था उसको हम चाय में डाल दिए हैं, उस समय तक प्लानिंग एकदम नहीं था, पर हस्बैंड चाय बनाया तो चाय में डाल दिए। अगर प्लानिंग होता कि आज सत्तू का चोखा बनाएंगे तो चाय में इलायची डाल देते और सत्तू वाला चोखा में अदरक डाल देते, तो ऐसा था। और क्या है कि हमारे यहाँ कभी खाना प्लानिंग के हिसाब से नहीं बनता है, हाँ ये डिसाइड है करना पड़ता है कि जैसे ऑफिस जाना है स्कूल जाना है तो मॉर्निंग में क्या बनाएंगे वो सोच के रात में रखना जरूरी होता है, और नहीं तो फिर सुबह में अगर मैं कुछ काट के सब्जी रखी और फिर हो गया कि ये नहीं खाना है मुझे, ये खाना है ये नहीं खाना है ये खाना है, तो ऐसा अगर हो गया तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि कटी हुई सब्जी जो है वो ज़्यादातर जल्दी खराब भी हो जाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए प्याज भी महीन महीन मतलब पतला पत्ता बारीक बारीक काट लिए हैं इसमें, और इसमें वही सारा कुछ जाता है जो आपका ये सत्तू वाला जो पराठा है उसमें जाता है। बस ये है कि हम लोग इसको स्टफ नहीं करते हैं, ऐसे ही सत्तू और रोटी खाते हैं और उसमें कि स्टफ करते हैं। तो यहाँ पे सत्तू मैं ली हूँ, और ये सत्तू जीरा वाला होता है जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, इसमें जीरा जो है भुना हुआ मिक्स रहता है सत्तू में, ऐसे आप मार्केट से सत्तू खरीद दिए तो भुना हुआ जीरा जो है वो मिक्स नहीं रहता है चना दाल वाला सत्तू। और नमक डाले हैं और तेल डाले हैं, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल कच्चा कच्चा ही पड़ता है, और इसी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज वो स्मोक किया हुआ रहता है वो एकदम नहीं अच्छा लगता है। इसमें जो सरसों तेल का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे नींबू डाल दे रहे हैं, और नींबू अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जैसे किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है किसी को कम खट्टा पसंद है, लेकिन इसका जो मेन चीज है ना वो है आपका कच्चा ये सरसों का तेल, क्योंकि कच्चा सरसों के तेल के बिना ये अधूरा है, कितना भी कुछ डाल दीजिए लेकिन अगर सरसों के तेल का जो है वो टेस्ट नहीं आ रहा है तो ये अधूरा है। तो बस देखिए हमारा यहाँ पे सत्तू भी तैयार हो गया, थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ ताकि मुंह में जो है वो रूखा रूखा नहीं लगे, वैसे इसमें और पानी पड़ेगा, कुछ देर रख दीजिए तो ये सत्तू ऐसे ही ड्राई होने लगता है, तो थोड़ा सा और पानी डाल के मैं रख लूँगी, क्योंकि अभी तुरंत ही खाना है और ये मैं रोटी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी ताकि, और गर्मी है फैन चलता है तो ड्राई हो जाएगा निकालते निकालते खाना। तो ये हमारा रेडी है, और ये देखिए ये सुबह की थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, और बहुत संजोग से आम मिला है, आम बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन बाद लाए हैं फिर से, एक्चुअली बीच में कच्चा आम मैं खा ली थी ना खांसी हो गया था,
और इसलिए आम नहीं लाए थे, लेकिन अब बस आम लाए हैं और ये जो है हमारा डिनर तैयार है। फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।